हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनेस्ट वाला स्केट में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफी जबरदस्त, काफी शानदार तरीके से चल रही होगी। गाइस, बहुत सारे सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे कि क्या यूजीसी नेट का एग्जाम होने वाला है। पहला सवाल तो यही उठ रहा होगा क्योंकि बीच में बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं मोहम्मदन लोगों का, उसके ऊपर आपके सवाल होंगे कि एग्जामिनेशन डेट के बीच में ही फेस्टिवल है तो क्या एग्जामिनेशन होगा। पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये उठ रहा होगा कि अच्छा, एग्जाम अगर होने वाला है तो एग्जाम डेट से अभी तक क्यों नहीं आया है। तीसरा सवाल आपके मन में ये हो रहा होगा कि जो एग्जामिनेशन अभी होने वाला है रिसेंटली फ्यू डेज में, ठीक है, विद इन 3 से 4 डेज में जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसका अभी तक एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया है। चौथा सवाल ये आ रहा होगा कि अभी तक यूजीसी नेट वालों ने किसी तरह कोई अपडेट क्यों नहीं दिया है, ठीक है। और पांचवा ये सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हर बार, चाहे आपका 2019, 2020, 2021, ठीक है, एंड देन 21-22 वाला जो एग्जामिनेशन हो रहा है, इसमें ऐसा क्यों हो रहा है कि लगातार पिछले 2 अटेम्प्ट को तो मर्ज किया ही जा रहा है और पिछले एक जो एग्जामिनेशन हुए थे उसकी डेट में बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को क्यों मिल रहा है। तो इन तमाम सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में एंड मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। थोड़ी सी राहत की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिन सोर्सेस का मैं इस्तेमाल करता हूं और जिन लोगों से हमारी बातचीत होती है उनके अकॉर्डिंग कुछ बातें निकल के आई है सामने, जिसको मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं। तो बिना डिले किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करूं मैं उस वीडियो को, उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फिर आपको पता है क्या करना है, ठीक है, सब्सक्राइब करना है अगर मन हो तो। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि हर न्यू अपडेट, जो छोटे बड़े अपडेट होते हैं वो वहां पर सबसे पहले आता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और उसको चेकआउट कर लीजिएगा। अब आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है कि क्या एग्जाम जो है आपका वो पोस्टपोन्ड होने वाला है। तो गाइस, इसके पीछे जो अपडेट निकल के आ रहा है, पिछले बार जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बोला था कि 80% या 20% चांसेस है कि आपका एग्जाम हो और पोस्टपोन्ड हो जाए। लेकिन गाइज, यहाँ पे बहुत ज्यादा अब चांसेस बन रहे हैं, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि आपका जो एग्जामिनेशन अभी रिसेंटली 2 से 3 दिनों में होने वाला है, ये एग्जामिनेशन आपका पोस्टपोन्ड हो जाए। और इसके ऊपर आप कहेंगे कि सर इसका अपडेट कब तक आने वाला है, तो गाइज हो सकता है कि आज शाम तक आप लोगों को इसके ऊपर कोई अपडेट देखने को मिले। लेकिन अभी जो मुझे डेडलाइन दिया गया है वो कल तक का दिया गया है वेट करने के लिए, क्योंकि जिन सोर्सेज का मैं इस्तेमाल करता हूँ उन लोगों के अकॉर्डिंग कहना यह है कि कल आप लोगों का पूरा क्लियर हो जाने वाला है कि आपका एग्जाम होगा नहीं होगा, एडमिट कार्ड कब आ रहा है नहीं आ रहा है, सभी चीजों के ऊपर। तो पहले सवाल के ऊपर हम लोगों ने बातचीत कर लिया कि यार एग्जाम पोस्टपोन्ड हो सकता है, तो यस, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाए। डेट के बारे में मैं बहुत ज्यादा सटीक उत्तर नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मुझे इसके ऊपर अभी बहुत ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैं अगर डेट की मैं बात करूं तो इस मंथ के लास्ट में एग्जामिनेशन डेट आपके जाने के चांसेस बन रहे हैं अगर पोस्टपोन्ड होता है तो। दूसरा सवाल यह है कि एग्जाम डेट सीट क्यों नहीं आया है। देखो, एग्जाम डेट सीट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यूजीसी नेट के जो भी अधिकारी लोग हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत जल्दीबाजी में आकर के एग्जाम डेट को निकाल लिया हुआ है क्योंकि उनके पास किसी तरीके का कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं था और बहुत ज्यादा बच्चे डिमांड कर रहे थे कि कुछ तो आप अपडेट दीजिए, पिछले 1 महीने से आपने कोई, 2 महीने से कोई अपडेट नहीं दिए हो। तो उनको अपडेट देना था और शायद उनके ऊपर बहुत ज्यादा लोड बन रहा था और मुझे लगता है कि आनन फानन में आकर के बिना किसी रीजन का, ठीक है, और यूं कहा जाए तो बिना किसी तैयारी का और बिना किसी सर्वे किए हुए कि कौन सा फेस्टिवल पड़ रहा है, किस दिन आपका नेशनल हॉलीडे हो रहा है, इन तमाम चीजों को नजरअंदाज करते हुए इन लोगों ने एग्जामिनेशन डेट को रिलीज कर दिया। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जो मोहम्मदन का जो पर्व होने वाला है, ठीक है, और ये पर्व काफी धूमधाम से हमारे देश में मनाया जाता है, तो इस डेट को जरूर ध्यान में रखा जाता है। कि ऐसा तो है नहीं कि भारत में कुछ ही सेक्टर के बच्चे एग्जाम देते हैं और लोग नहीं देते हैं, पूरा होल इंडिया एग्जामिनेशन होता है यूजीसी नेट का और उसमें हर तरीके के वर्ग इन्वॉल्व होते हैं। तो गाइज, मैं तो बस यही कहूंगा कि हो सकता है एग्जामिनेशन आपका पोस्टपोन्ड हो जाए, लेकिन अगर नहीं भी होता है तो आज हो सकता है कि कुछ ना कुछ अपडेट आपको देखने को मिले। अगर मे भी अगर आज अपडेट नहीं देखने को मिलता है तो कल 110% आपको अपडेट देखने को मिलेगा। लेकिन गाइज, आज बहुत ज्यादा चांसेस है कि शाम को 8, 8:30, 9 बजे तक आपको ये देखने को मिले कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया है या एग्जामिनेशन डेट चेंज हो गया है या आपका एडमिट कार्ड के ऊपर किसी तरह कोई अपडेट आया है। और ये तमाम अपडेट्स आपको मिल जाएंगे सबसे पहले, सबसे फास्ट अनस्टॉपेबल स्क्रीन पे। इसलिए मैं बार बार अगेन एंड अगेन आपको कहता हूं कि भैया आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा और आपका कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स फ्री है, वहां पे जाइए, कमेंट कीजिए और जो भी जेन्युइन सवाल मेरे पास आएंगे तो उसका मैं आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। जो जेन्युइन सवाल नहीं करते हैं उनके मैं कुछ उनके कमेंट्स को मैं देखता भी नहीं, इग्नोर कर देता हूं क्योंकि कुछ लोगों का आदत होता है कुछ ही बोलने का और मुझे लगता है कि ऐसे जितने भी YouTube पे
चैनल है, सब लोगों को इस तरीके की कहानियां झेलनी पड़ती है। तो मैं कोई नया तो हूं नहीं, लेकिन मैं गाइज यही कहूंगा कि बस आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। और एक बात और, क्या लगता है कि आपके अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन अगर पोस्टपोन्ड होता है तो कब होना चाहिए? ठीक है, अगर नहीं पोस्टपोन्ड होता है तो क्या इसे पोस्टपोन्ड होना हो जाना चाहिए? ये बहुत सारे सवाल हैं गाइज, और मैं उम्मीद किया हूं कि हर सवाल का आपका जवाब दूं। अब मैं बात कर लेता हूं कि एडमिट कार्ड के ऊपर, तो ये सारा अपडेट आज ही आने वाला है। तो और सोर्सेज का क्या कहना है, उन्होंने बस यही कहा है कि कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग मुझे जो पता चला है कि एग्जाम है जो आपका पोस्टपोन होने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और ये इसको आपको माइंड में आप रखना पड़ेगा, खास करके जुलाई वाला। अगस्त वाला तो फिक्स है आपका, वो एग्जामिनेशन होगा उस समय तक, क्योंकि उसके ऊपर अभी बहुत ज्यादा टाइम है। एंड देखते हैं आज क्या अपडेट निकालती है यूजीसी ने, और उसके बाद कोई भी अपडेट आएगा ऑफिशियली तौर पे या मुझे सोर्सेस के रिगार्डिंग अगर कोई भी अपडेट पता चलता है तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अगर कोई ऑथेंटिक अपडेट नहीं मिलेगा तो गाइज, अगर मुझे ऐसा रहता कि हाँ मुझे व्यू चाहिए तो मैं हर 10-20 मिनट बाद, 2 घंटे बाद एक दो वीडियो बनाता, और देखने वाले देखते ही, ठीक है। जो नहीं देखने वाले हैं वो तो कभी भी नहीं देखेंगे, लेकिन जिनको देखना है वो तो देखेंगे ही देखेंगे। तो ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं रहा है आज तक कि मुझे बहुत ज्यादा व्यूज चाहिए होता है, क्योंकि आप लोग अगर जो भी इसमें यूट्यूबर होंगे उनको पता है कि बहुत ऐसा नहीं है कि भर भर के पैसे आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ऑथेंटिक आपको अपडेट मिले, क्लासेस आपको देखने को मिले, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ लेना, एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, अपने घरों में रहे, जय हिंद।